Hi guys, I am Vishani and you are watching my channel Art and Craft by Vishani Bora. इस वीडियो में हम बर्ड हाउस बनाने वाले हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए पहले मैं ले रही हूँ 25 सेंटीमीटर डाया वाली एक कार्डबोर्ड। ट्रेपेजॉइड बनाया है, बॉटम पार्ट 9 सेंटीमीटर, टॉप पार्ट 16 एंड हाइट 14 सेंटीमीटर ली है। ऐसे चार ट्रेपेजॉइडल बनाए हैं। सम स्टेशनरी, ग्लू गन, एक्रेलिक कलर्स और आइसक्रीम स्टिक ली है जिसको मैंने ब्लैक पेंट कर दी है। पहले हम ट्रेपेजॉइड लेंगे, चारों ट्रेपेजॉइड लेंगे और ग्लू गन से उसको स्टिक करेंगे। इस तरह से स्टिक करेंगे। एक ट्रेपेजॉइड में मैंने 7x11 सेंटीमीटर का एक कटआउट दिया है, रेक्टेंगल बनाया है और उसको भी स्टिक कर देंगे। अभी मैं यहाँ पे 1 सेंटीमीटर थिकनेस वाले स्टिक ले रही हूँ जो मैंने कार्डबोर्ड से बनाया है, उसको भी ऐसे स्टिक कर देंगे। तो ये हमारा बेसिक बॉक्स रेडी हो चुका है। अभी हम टॉप का पार्ट रेडी करेंगे। ट्रायंगल ले रही हूँ मैं। ट्रायंगल की लेंथ मैंने 16 सेंटीमीटर ली है और हाइट 11 सेंटीमीटर ली है। इसको भी ग्लू गन से स्टिक कर देंगे। तो ये रेडी हो जाने के बाद हम बीच में यहाँ पे होल करेंगे और वहाँ पे स्टैंड जैसा कुछ बनाएंगे। मेरे पास एक नीडल बॉक्स खाली वेस्ट का पड़ा था तो मैं उसको ले रही हूँ। कटर से कट करके हम यहाँ पे स्टिक कर देंगे। आप कोई भी और राउंड पाइप ले सकते हो। वाइट एक्रेलिक कलर ले रही हूँ जो मैं इनसाइड बॉक्स लगाने वाली हूँ ताकि वो प्रॉपर दिखे। अभी बर्ड हाउस का हम रूफ बनाएंगे। 16x17 सेंटीमीटर का मैंने एक रेक्टेंगल कट किया है, इस तरीके से लगाएंगे और सेम अंदर का पार्ट भी हम वाइट कलर से ढक देंगे। जॉइंट पे फिनिशिंग देने के लिए मैं 1 सेंटीमीटर थिकनेस वाली स्ट्रिप लगा रही हूँ। तो ये अब हमारा कार्डबोर्ड से फिनिशिंग हो चुका है। अभी हम मेन पेंटिंग करेंगे। जो बेस लिया है उसमें ग्रीन येलो का शेड करेंगे ताकि वो कुछ ग्रीनरी जैसा दिखे। अभी हम यहाँ पे बर्ड हाउस पे पहले रूफ पे पेंटिंग करेंगे। रेड कलर का पेंट करूँगी, कुछ रूफ जैसा दिखे उस तरीके का मैं पेंटिंग करूंगी। ब्रश पेन में ले रही हूं। और इस तरह से कुछ पेंट करूंगी ताकि वो प्रॉपर रूफ जैसा दिखे। अभी फ्रंट पे पिंक कलर का पेंट कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से कोई भी और कलर ले सकते हैं और कोई भी डिज़ाइन भी बना सकते हैं। अगर कलर कॉम्बिनेशन अच्छा होगा तो वो अट्रैक्टिव दिखेगा। तो यहाँ पे मैंने फ्रंट पे कलर कर दिया है। उसी तरह से साइड के पार्ट पे भी कलर कर देंगे। ईयरबड्स में ले रही हूँ, उससे हम फ्लावर बनाएंगे। ये
ये बहुत इजीली बन जाता है, इसलिए मैं ईयरबड का यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो और कोई डिफरेंट कलर का भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने ब्रश पेंस ली है, कुछ अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैं यहाँ पे डॉटिंग टूल से डॉट भी कर रही हूँ। अभी ऐसे ही कुछ बैक साइड पे भी पेंट करेंगे। आप चाहे तो बर्ड का फिगर और ऐसा कुछ भी बना सकते हो, पर यहाँ पे मैं तो सिंपली फ्लावर ही बना रही हूँ। तो ये हमारा बर्ड हाउस पेंट होके रेडी हो चुका है। अभी हम रीलिंग बनाएंगे, तो इसके लिए मैं आइसक्रीम स्टिक ले रही हूँ। मैंने इसको ब्लैक पेंट किया है और मैंने रीलिंग की हाइट के हिसाब से वो कट कर दिया है। तो ये अभी रीलिंग भी बन चुकी है। नाउ इट्स टाइम टू असेंबल। तो ग्लू गन स्टिक से हम इसको स्टिक करेंगे एंड इट्स रेडी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये आर्ट कैसा लगा। नेक्स्ट फ्राइडे को हम लोग फिर से मिलेंगे कुछ नए आर्ट के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड विथ अस। बाय बाय।